बच्चों नमस्कार। ये बताओ किसको किसको कहानी सुनना अच्छा लगता है? जरा हाथ तो उठाओ। अरे वाह, सभी बच्चों के हाथ उठ गए, यानी सभी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? चलिए आज हम कक्षा 7वीं छत्तीसगढ़ भारती में हिंदी विषय के अंतर्गत एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है शहीद बकरी, जिसके लेखक हैं श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीर। चलिए देखते हैं कि लेखक जो है वो हमको इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। बहुधा यह बात रेखांकित की जाती है कि संगठन में शक्ति है। आपने संगठन की एक और कहानी पहले भी सुनी होगी और आज मैं आपको संगठन की नई कहानी बता रही हूँ जो कि हमारे छत्तीसगढ़ भारती में है। बच्चों संगठन में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सब एक साथ संगठित हो जाएं तो अन्याय करने वाले को परास्त कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि पहले या पहल कोई एक ही करता है। ऐसी ही पहल इस कहानी में एक युवा बकरी भेड़िए से डटकर मुकाबला करती है। एक युवा बकरी मरने के भय से बाड़े में कैद होके रहना स्वीकार नहीं करती, बल्कि वह हत्यारा जो कि निरीह बकरियों का खून करने वाला भेड़िया जो है उसको वो घायल, पीड़ा और दर्द से छटपटाते हुए देखना चाहती है। बकरी अपने आक्रमण से भेड़िए को लहूलुहान और घायल कर देती है। यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि इसमें वह अपने साथियों की अकर्मण्यता के कारण ढेर हो जाती है, पर एक उदाहरण अवश्य रख जाती है कि साहस से भरी सिर्फ एक बकरी भी भेड़िए को घायल और घाव से सड़ने के मरने के लिए बाध्य कर सकती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरे भरे पेड़ पहाड़ पर बकरियां चरने जाती। जो पहाड़ होते हैं बहुत हरे भरे, उसमें घास फूस सब होते हैं, तो जो बकरियां होती हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अपने आसपास बकरियों का पालन करते हैं। आप लोगों ने देखी है बकरी? किसने किसने देखी है बकरी? अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी तो दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन एक न एक बकरी कम हो जाती थी। भेड़िया की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराने जाना ही बंद कर दिया और बकरियां ने भी मौत के डर से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करना ही श्रेष्ठ समझा। यहाँ पर एक कठिन शब्द है जिसको हम जान लेते हैं, वो है धूर्तता। धूर्तता का मतलब होता है कुटिल होने का भाव या चालबाजी। लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी को यह बंधन, यानी बाड़े में रह के जो चरने वाला जो बंधन था ना, वह बंधन एक युवा बकरी को पसंद नहीं आ रहा था। और अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी, ऐसा वो सोचती थी। पहाड़ से उतरकर वह तो किसी भी रोज भेड़िया बाड़े में भी आ सकता है। शिकारी के भय से अगर मूर्ख शुतुरमुर्ग अपना अपना जो अपनी जो गर्दन होती है ना, शुतुरमुर्ग की गर्दन देखी है आप लोगों ने कितनी लंबी होती है? जो शुतुरमुर्ग होता है ना, वो शिकारी के डर से अपनी गर्दन को रेत में छुपा लेता है। तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? क्या शिकारी उसका शिकार नहीं करता? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने भी उसके आंखें आंखें में समझाने का प्रयास किया कि वह ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार मन में न लाए। भोग्य सदैव भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा बकरी की जो युवा बकरी थी उसकी साथियों से समझाते थे। भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन जो युवा बकरी थी वो तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह से छटपटाता है, वह करतब देखने की उस लालसा उसके अंदर, जो भेड़िए की जो करतब
जो थे, जो लालसा जो थी वो उसके अंदर बलवती हो रही थी उसको देखने की कि भेड़िया कैसे छटपटाता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द है हमारे पास, लालसा, जिसका अर्थ होता है इच्छा या कामना। आखिर एक रोज वह मौका पाकर बाड़े से भाग निकली और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद घूमने लगी। इधर उधर घूमती फिरती विचरती कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। दिन भर उसने पहाड़ पर अपना बिताया, मनमानी कुलेले करती, इधर से उधर जाती, फिर उस पेड़ पे जाती, फिर इधर से उधर घूमती। और भेड़िया को देखने की उसकी उत्सुकता जो थी, क्योंकि वो तो भेड़िया को देखना चाहती थी, तो उसकी उत्सुकता बनी हुई थी, परंतु भेड़िया तो उसे कहीं दिख ही नहीं रहा था, उसके दर्शन ही कहीं नहीं हो रहे थे। छुटपुटा होने पर अर्थात शाम, जैसे जैसे दिन ख़त्म होते जाता है शाम होती जाती है, तो जैसे जैसे शाम होने लगी उसे लाचार होकर नीचे उतरना ही पड़ा। आखिर वो कब तक पहाड़ों पर उस भेड़िए को देखती, तो नीचे उतरने के लिए शाम होने के कारण उसे बाध्य होना पड़ा। परंतु रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आँखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया भी मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारे जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था, आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें, ऐसा भेड़िए ने बकरी को कहा। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने से कोई मतलब नहीं था, वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि वो तो अपना एक दूसरा उद्देश्य लेकर आई थी। उसने तनिक पीछे हटकर इतनी जोर से टक्कर मारी कि जो भेड़िया था वो संभल ही नहीं सका, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं था कि बकरी क्यों आई है। तो जो उसने ज़ोर से जब उसको भेड़िए को टक्कर मारी तो भेड़िया संभल ही नहीं सका। यदि बीच में बड़ा पत्थर का उसे सहारा न मिलता तो वो औंधे मुँह यानी उल्टे मुँह नीचे गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि वह किन कर्तव्य मूढ़ सा हो गया। यहाँ पर किन कर्तव्य मूढ़ शब्द जो दिया है, इसका आशय होता है कि जो समझा ही ना जा सके, यानी भेड़िया जो था वो बकरी की चाल समझ ही नहीं सका और टक्कर खाकर अभी वह संभल ही नहीं पाया था कि बकरी पुनः पैने सिंह से, जो बकरी के सिंह होते हैं ना धार वाले, उससे तुरंत उसके सीने में इतनी जोर से उसने टक्कर मारी कि वह पूरा छत विचित सीने के से लहू से बहती धार, ऐसा देखकर भेड़िया के जो पांव थे वो उड़ खड़े हुए, अर्थात उस भेड़िया जो है वो घबरा गया। मगर वह निरी बकरी के आगे भाग खड़ा होना कुछ उसको अच्छा नहीं लगा। जो बकरी उसके ऊपर हमला कर रही थी उसके सामने, बकरी तो छोटी सी होती है, तो उसे ऐसा लगा कि बकरी के सामने भाग खड़ा होना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह भी साहस बटोर कर, हिम्मत बटोर कर पूरे वेग से बकरी की तरफ झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी, वह कतरा कर एक और ऐसे हट गई और भेड़िया दौड़कर आ रहा था तो सीधा उसका जो सिर था वो दरख्त से जाकर टकराया और लहूलुहान हो गया। अब लहू को देखकर भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया, गर्मी आ गई, उसे भी गुस्सा आने लग गया, वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अब अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती, वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता, उसकी जो बाकी साथी थे उनकी अकर्मण्यता पर वह तरस खाती हुई बेचारी देर हो गई। उसके जो साथी थे वो कोई भी उसके साथ उसका साथ देने के लिए नहीं आए, अंत में वो बेचारी ढेर हो गई। ये सारे घटनाक्रम को पेड़ पर बैठे हुए एक तोते और एक मैना देख रहे थे। तो तोते ने मैना से मुस्कुराकर पूछा कि भेड़िए से भिड़कर, अर्थात भेड़िए और बकरी की जो लड़ाई हुई थी तो बकरी भेड़िए से भिड़ रही थी, तो भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। तो मैना ने गर्व से उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई परंतु
भेड़िए को घायल करके मरी। अब वह कभी दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक, यानी उसके जो सीने और मस्तक में जो घाव लगे थे ना, वो उसे सड़ सड़ कर मरने के लिए बाध्य कर देंगे। काश बकरी की अन्य जो साथी थे उन्होंने उसकी भावना को समझा होता, उस युवा बकरी की भावना को समझा होता, और छिपने के बजाय, सारी बकरियां छिप जा रही थी भेड़िए के डर से, छिपने के बजाय यदि सबने मिलकर एक साथ जो आज कैद का जीवन जी रही थी ना वो बकरियां, जो कैद में बाड़े में जीवन जी रही थी, अगर सबने मिलकर एक साथ उसका सामना किया होता, भेड़िया का सामना किया होता, तो पहाड़ पर निशंक और निश्चंद वो सब भी विचरण कर रही होती। अब तोता मैना का ये जवाब सुनकर तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप उस शहीद बकरी की तरफ देखने लगा। चलिए अब कुछ बात करें अभ्यास के प्रश्नों की। हमने जो कहानी सुनी उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो बकरियों ने कैद में रहकर जुगाली करना क्यों उचित समझा? बकरियां कैद में रहकर जुगाली करना इसलिए उचित समझती थी क्योंकि जब वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाती थी तो एक न एक बकरी को भेड़िया उठाकर ले जाता था, उनके जीवन पे संकट बना हुआ था, इसलिए उन्होंने कैद में ही रहकर जुगाली करना उचित समझा। फिर दूसरा प्रश्न, भेड़िए ने बकरी को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या प्रलोभन दिया? तो भेड़िए ने बकरी से कहा, तुम बहुत ही सुंदर हो, मुझे तुम्हारे जैसे साथी की आवश्यकता है क्योंकि मैं बहुत दिन से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। ये प्रलोभन भेड़िए ने बकरी को दिया। बच्चों, इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जिनके कुछ विलोम अर्थ भी होते हैं। चलिए ऐसे शब्दों को देखते हैं। सावधान, जिसका विलोम है असावधान। धूर्त, जिसका विलोम है भद्र। स्वच्छंद, जिसका विलोम है नियंत्रित। भारी, जिसका विलोम है हल्का। सहारा, जिसका विलोम है बेसहारा। अपने, जिसका विलोम है पराए। हरे भरे, जिसका विलोम है रूखे सूखे। और अब बारी गृह कार्य की। चलिए गृह कार्य के प्रश्न नोट करिए, फटाफट अपनी अपनी कॉपी पेन उठाइए और मैं प्रश्न जो दे रही हूँ उसे अपने कॉपी में हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न गृह कार्य का। नई युवा बकरी को बाड़े का बंधन पसंद क्यों नहीं आया? मैं फिर से मेरा प्रश्न दोहरा रही हूँ। युवा नई बकरी को बाड़े का बंधन पसंद क्यों नहीं आया? लिख लिया बच्चों? अब दूसरा प्रश्न लिखिए। दोनों प्रश्न आप लाइन से लिख लीजिए, फिर दोनों उत्तर आप लाइन से लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न लिखिए। तोते ने मुस्कुराते हुए मैना से क्या सवाल पूछा और क्यों? मैं फिर से मेरा प्रश्न दोहरा रही हूँ। तोते ने मुस्कुराते हुए मैना से क्या सवाल पूछा और क्यों? चलिए बच्चों, ये गृह कार्य के जो दो प्रश्न हैं इसे अपनी कॉपी में लिखकर अपने किसी बड़े को, अपने बड़े भाई बहन या आपके आसपास आपके कोई टीचर रहते हों तो उनको ज़रूर चेक करवाएं। आज की कक्षा अब यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।